बिहार की राजधानी पटना में 12 जून को महागठबंधन के तरफ से विपक्षी दलों की एक भारी सम्मेलन बुलाई जा रही है और इस सम्मेलन में विपक्षी दलों की बैठक होगी और तमाम दिग्गज नेता और दिग्गज पार्टियों के चेहरे जो हैं वो नजर आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले क्या बिहार के महागठबंधन में ऑल इज नॉट वेल चल रहा है? ऐसा सवाल है और ऐसा प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि बिहार में जिस तरीके से तमाम जो महागठबंधन दल में शामिल लोग हैं वो नीतीश कुमार और राजद से नाराज चल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया होनी है उसका तो विरोध चल ही रहा है, साथ ही साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी नाराज चल रहे हैं और उनकी मनाने की कवायदात लगातार जदयू के तरफ से की जा रही है। जदयू के एक दिग्गज मंत्री हैं विजय चौधरी, वो लगातार जीतन राम मांझी से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी समय समय पर महागठबंधन के तरफ से जो फैसले लिया जा रहे हैं उस पर कुछ फैसलों पर अपनी सहभागिता दे रहे हैं तो कुछ में सहमति नहीं जता रहे हैं और यही वजह है कि ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन में ऑल इज नॉट वेल चल रहा है। आपको बता दें कि विजय चौधरी एक बार फिर से जीतन राम मांझी को मनाने के लिए उनके आवास पर पहुंच गए हैं। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर इस वक्त चल रही होगी। अभी कुछ ही दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार के करीबी नेता विजय कुमार चौधरी अचानक से जीतन राम मांझी के आवास पर नजर आए थे। वहीं आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी वित्त मंत्री विजय चौधरी से एक बार फिर से मिलने गए हैं उनके 5 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास पर। बता दें कि इतने दिनों में जीतन राम मांझी से 2 बार विजय चौधरी की मुलाकात हो चुकी है। आपको बताएं कि जीतन राम मांझी महागठबंधन में रहते हुए कोऑर्डिनेंस समिति की भी बनाए जाने की मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग को दरकिनार किया जा रहा है और माना यह जा रहा है कि जीतन राम मांझी इसी वजह से काफ़ी नाराज चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान सीट को बंटवारे को लेकर के भी तरह तरह के बयानबाजियां जीतन राम मांझी की तरफ से हो रही है। इसके बाद जदयू के वरिष्ठ नेता वित्त मंत्री विजय चौधरी ने जीतन राम मांझी से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद कहा कि सब कुछ ठीक है। मालूम हो कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जब दिल्ली में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की तब इस बात की चर्चा चल रही थी कि क्या जीतन राम मांझी को बीजेपी की तरफ से ऑफर आ चुका है, क्या जीतन राम मांझी महागठबंधन में अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, ऐसे में इस मुलाकात के क्या मायने हो सकते हैं। और आज देखिए एक बार फिर से जीतन राम मांझी अब विजय चौधरी से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं तो क्या अब माना जाए कि जीतन राम मांझी को मनाने की तैयारी नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी मंत्री विजय चौधरी कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कई मंचों से इस बात को भी कह चुके हैं कि जीतन राम मांझी का मन डोल रहा है, इनको कहीं जाने नहीं देना है, इन्हें अपने पास ही रखना है। आपको याद होगा कि पूर्णिया में जिस तरीके से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था उसमें भी इस बात की चर्चा चली थी। तो क्या अब जीतन राम मांझी को मनाने की तैयारी चल रही है, क्या जीतन राम मांझी का मन वाकई में डोल रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।